नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं आरती। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो रमजान के दौरान संघर्ष विराम के फैसले को भारत वापस ले सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार छठी बार मामूली गिरावट आई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इस बार पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 14 पैसे सस्ता हुआ है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर इस समय विवादों में है। इस बार खजाने की चाबी के गायब होने की वजह से विवाद खड़ा हुआ है, जिसको लेकर पुरी के शंकराचार्य और कई राजनीतिक दलों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। दक्षिण मुंबई में आयकर विभाग के दफ्तर सिंधिया हाउस में शुक्रवार शाम आग लग गई थी। खबरें इस तरह की आ रही थी कि नीरव मोदी समेत कई आरोपियों के दस्तावेज इसमें जलकर खाक हो गए थे, लेकिन आयकर विभाग ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। दिल्ली के भारत नगर इलाके में 1500 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि 15 से 20 लोगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।